बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू अस्करिया स्कूल एंड कॉलेजेस। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल पीपल आर फाइन। आज बच्चों हम लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 लेसन टी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो होगा ग्रुप 1 एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आप स्टडी कर चुके हैं, और अब आप स्टडी करेंगे ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी विद वाटर और ग्रुप 1 एलिमेंट्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। यानी ओवरऑल ग्रुप 1 के जो रिएक्शंस रहते हैं उनको आपने स्टडी करना है, ठीक है। फिर इनके ऑक्साइड्स, फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड्स के वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन आप पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारे पास रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स विद क्लोरीन होगा, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ हीट पढ़ेंगे हम कार्बोनेट, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट्स पर, और जो लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा फ्लेम टेस्ट, ठीक है। जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी विद वाटर। ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, आप सब जानते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसीएम एंड फ्रेंशियम, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये सब के सब ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। जब हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स का हम रिएक्शन पढ़ने लगे हैं वाटर के साथ, ठीक है जी, तो जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि जो एल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी ये रिएक्शन बहुत विग्रस और फास्ट रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर के साथ भी इनका बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है, और ये जो रिएक्शन होगा ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप मेटल्स के जो रिएक्शन होंगे, ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होने के साथ साथ मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। इस तरह से रिएक्टिविटी जो है वो ग्रुप 1 एलिमेंट्स की डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इवन कि हम ये कह सकते हैं कि लिथियम और सोडियम को छोड़ के जो हमारे पास बड़े एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है, ये सब के सब जो है वो आइस के साथ भी -100 डिग्री सेल्सियस पर भी रिएक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी रिएक्टिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइस के साथ भी -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन दे देता है। अब -100 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ अ वेरी वेरी कूलेस्ट टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर हम केमिकल रिएक्शंस देखें तो हमारे पास एल्कली मेटल्स के मैंने आपके सामने रिएक्शंस लिखे हैं, 2 लिथियम + 2 वाटर मॉलिक्यूल गोज टू 2 LiOH + हाइड्रोजन। रिएक्शन इसका एक्सोथर्मिक है, जैसा कि पहले ही ऊपर कॉन्टेंट्स में जिक्र किया है आपसे कि यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है जी। मैंने आपकी बुक में जो है वो सिर्फ सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन है, मैंने फ्रेंशियम को छोड़ के, यू ऑल नो कि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है तो उसके बारे में ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ का इल्म नहीं है, इसलिए हम इसके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस नहीं करते। उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, मैंने उन सब का वाटर के साथ रिएक्शन दिया है, और आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर हर जगह पर मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, रिस्पेक्टिवली 2 LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। ये था आपका रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स विद वाटर। नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स के रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ। तो बच्चों, अब आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 में, ठीक है। इनमें से अब जो लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम परऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है, और कुछ कंडीशंस में जो है वो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी फॉर्म करता है, लेकिन जो सोडियम है वो डायरेक्ट मेथड से
नॉर्मल ऑक्साइड प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो बाकी आपके एलिमेंट्स हैं, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेंशियम वगैरह, पोटेशियम रुबिडियम और सीसियम फ्रेंशियम में, ये सब के सब सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपसे ऑक्साइड की टाइप्स का जिक्र किया था, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से तीन टाइप्स हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन के ऊपर -2, पर ऑक्साइड में होती है -1 एंड सुपर ऑक्साइड में होती है -1/2। रिएक्शंस आपके सामने हैं, 4 लिथियम O2 के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है 2 Li2O। असल में जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है इट इज Li2O, ये Li2O है। तो Li2O में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की देखें तो इट विल बी -2, सो इट इज नॉर्मल ऑक्साइड। हम इसको कहेंगे लिथियम ऑक्साइड, नॉट लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, वी कॉल इट लिथियम ऑक्साइड। फिर सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो मैंने आपको कहा कि नॉर्मली ये पर ऑक्साइड बनाता है, तो 2Na+O2 इट विल फॉर्म Na2O2, ठीक है। ये सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, यहाँ आप ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो वो कितनी होगी -1, जबकि बाकी में अगर आप देखें तो मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है M+O2 गोज़ टू MO2। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन की तो वो निकलेगी -1/2, ठीक है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम तीनों के साथ मैंने इक्वेशन लिखी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल KO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, पोटेशियम पर चार्ज होता है +1, ठीक है, ये +1 इज इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। ऑक्सीजन पर चार्ज निकाल लें, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सॉरी 2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज निकल आएगा जो कि सुपर ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ सोडियम। हम सोडियम के जो नॉर्मल ऑक्साइड है उनको किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बच्चों हम सोडियम परऑक्साइड, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट क्या है NaNO2, एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3, हम इनको रिड्यूस करके क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, सोडियम के नॉर्मल ऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये किसी और सब्सटेंस से प्रिपेयर हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो नहीं है, यानी सोडियम और ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल ऑक्साइड प्रिपेयर नहीं हो सकते, बल्कि नॉर्मली इसके पर ऑक्साइड प्रिपेयर होते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन से, ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हैं सोडियम पर ऑक्साइड सोडियम के साथ रिएक्ट करके 4Na2O बना रहा है, ठीक है, इट इज सोडियम ऑक्साइड, यानी नॉर्मल ऑक्साइड है, तो हम इसे कहेंगे सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम नाइट्राइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है सोडियम से, तो वो बना रहा है Na2O, यानी अगेन सोडियम ऑक्साइड, और साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी तरह सोडियम नाइट्रेट को रिड्यूस कर रहा है सोडियम मेटल, और ये बना रहा है नॉर्मल ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। सोडियम इज अ मेटल, और आपको पता है कि मेटल्स जो हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, ठीक है, और ख़ुद पॉजिटिव बन जाते हैं। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं ये उन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हैं दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करवाने में, सो दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स जी। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तीन तरह के ऑक्साइड्स हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स। तो जो नॉर्मल ऑक्साइड है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, प्रोटॉन के एक्सचेंज से वो हाइड्रोक्साइड आइंस फॉर्म करता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि O2 नेगेटिव जो है, O2 नेगेटिव आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड है। O2 नेगेटिव क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है
वो क्या कर रहा है, ओ टू नेगेटिव आइन जो है वो प्रोटॉन को जो नॉर्मल ऑक्साइड आइन है वो प्रोटॉन को गेन कर रहा है, वाटर से प्रोटॉन गेन कर रहा है और हाइड्रोक्साइड आइन बना रहा है, जबकि जो वाटर है वो प्रोटॉन को लूज कर रहा है और ओ एच नेगेटिव आइन बना रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड की तरफ। तो जो पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड हैं, पर ऑक्साइड्स का जो फॉर्मूला है वो है 2O2 2 नेगेटिव, 2O2 2 नेगेटिव। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मींस के 2 तो हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया है, जो असल में इसका फॉर्मूला है पर ऑक्साइड का वो है O2 2 नेगेटिव, यानी 2 सबस्क्रिप्ट में और जो 2 माइनस पावर है वो ऊपर चली जाएगी सुपरस्क्रिप्ट। तो O2 -2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से जो O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, सुपर ऑक्साइड्स को। तो जो O2 नेगेटिव है सुपर ऑक्साइड्स, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल आइन, हाइड्रोक्साइड आइन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और साथ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड में कि नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ये वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मैं नेक्स्ट रिएक्शन पे चलने से पहले पहले बताती जाऊँ, मैंने स्लाइड में इसको शो नहीं किया है, कि एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बनता है कि अल्कली मेटल्स को कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, पैराफिन ऑयल या कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है अल्कली मेटल्स को। तो अल्कली मेटल्स आर द वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स, अगर आप इनको किसी ओपन कंटेनर में वैसे ही रख देंगे, ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये मॉइस्चर के साथ या एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और इस तरह से जो इनकी ऊपरी सरफेस जो है वो टार्निश्ड हो जाती है, टार्निश्ड का मतलब उसकी शाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है और ऑक्साइड्स की जो है वो एक लेयर बन जाती है। ठीक है, तो मींस के ये एयर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से इनको हवा से या मॉइस्चर से, एयर से बचाने के लिए हम इनको कैरोसिन ऑयल या पैराफिन ऑयल में एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक करके रखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। इसी तरह जो मैंने अभी पीछे आपके आपके साथ मेथड डिस्कस किए हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ सोडियम को प्रिपेयर करने के, तो वहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ सोडियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है जी। अब हम चलेंगे रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड, पीरियड थर्ड के ऑक्साइड्स का वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ हम रिएक्शन देखेंगे। पहले हम डायरेक्ट ग्रुप वन एलिमेंट्स के रिएक्शंस देख रहे थे ऑक्सीजन के साथ, तो अब हम उनके, क्योंकि ऑक्साइड्स प्रिपेयर हो चुकी हैं, तो अब हम ऑक्साइड्स के, सिंपल ऑक्साइड यानी नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स के रिएक्शंस देखेंगे वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो सबसे पहले सिंपल ऑक्साइड्स या नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं N2O से। ठीक है जी। तो अगर हम रिएक्शन विद वाटर देखें तो ये वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, मैंने सिंपल इक्वेशन आपके सामने लिखी है, दे विल फॉर्म N2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल, दे विल फॉर्म 2 मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। तो अब अगर हम इनको इक्वेशन से शो करें तो आप मतलब एग्जाम्पल लें तो आप Li2O ले लें, Li2O इज ए नॉर्मल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड Na2O, ठीक है, ये सब के सब जो है, सॉरी Li2O इज ए नॉर्मल ऑक्साइड, सॉरी सोडियम इज अ पर ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम को आप इधर नहीं ले सकते, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल में Li2O ही आ सकता है। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इक्वेशन इज वेरी वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट लर्न दिस मेन इक्वेशन, N2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल गोज टू MOH। तो यहाँ पे सिर्फ मेटल जो है बच्चों को रिप्लेस हो रहा है Li से, किससे रिप्लेस हो रहा है Li से, तो इस इक्वेशन को याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम इन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ। तो जब मेटल ऑक्साइड, नॉर्मल मेटल सिंपल ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेंगे एसिड HCl के साथ,
तो दे विल फॉर्म मेटल हेलाइड, 2MCl प्लस वाटर। अब यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा Na2O और एसिड के साथ, HCl के साथ आप इसको रिएक्शन करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2NaCl प्लस वाटर। ठीक है, 2NaCl प्लस वाटर बन जाएगा। तो वैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर Na2O की जगह जो है वो Li2O ले लें। ठीक है, Li2O 2HCl के साथ उसको रिएक्शन कर लें तो वो 2LiCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर दें। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास है रिएक्शंस ऑफ सुपर ऑक्साइड, रिएक्शंस ऑफ सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का मेन फॉर्मूला है MO2। क्या है? MO2। तो MO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और यहाँ पे एक एडिशनल साइड प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। तो अगर आप मेन इक्वेशन याद कर लेते हैं बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि फिर आप सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे कि सुपर ऑक्साइड्स में सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाता है? पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो आप इसी तरह से सिर्फ M को रिप्लेस करते जाएंगे, 2KOH प्लस 2H2O, 2KOH, और आगे साइड प्रोडक्ट सेम रहेंगे। अगर आप रुबिडियम और सीजियम की बनाते हैं तो K की जगह रुबिडियम आ जाएगा, RbOH, और यहाँ पर आ जाएगा Rb, यहाँ पे आपके पास 2KO2 जो है जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है, तो इट विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर सीजियम लेंगे पोटेशियम की जगह, सीजियम हाइड्रोक्साइड, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड वाटर से रिएक्ट करके सीजियम ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सीजियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह आपके पास आ जाता है रुबिडियम, तो रुबिडियम सुपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब हम सुपर ऑक्साइड के रिएक्शंस जो हैं वो देखते हैं किसके साथ? एसिड के साथ। तो ये फॉर्म कर देगा मेटल हेलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो साइड प्रोडक्ट्स विल बी द सेम एज अबव, ठीक है, और मेटल हैलाइड बनेगा। अब सुपर ऑक्साइड जो है वो आप यहाँ पर लेते हैं KO2, ठीक है, तो जो यहाँ पे KO2 है वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा अगर आप उसको एसिड के साथ रिएक्शन देंगे? ठीक है, तो वो आपको देगा मेटल हैलाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक फर्दर रिएक्शन है, ठीक है, डाइल्यूट एसिड में, जो आपने पीछे नहीं देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो दोबारा डीकम्पोज होगा, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड डीकम्पोज होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ पीरियड ग्रुप वन एलिमेंट विद क्लोरीन हैलोजन। एल्कली मेटल्स, एज यू ऑल नो दैट एल्कली मेटल्स आर द वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है बिकॉज दे आर द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो दे कैन रिएक्ट विद ईच एंड एवरी स्पीशी विग्रेसली, ठीक है। तो आपने देखा था कि ये तो वाटर और आइस के साथ भी इतना विग्रेस रिएक्शन शो कर रहे थे, ठीक है, वायलेंट रिएक्शन। तो हैलोजन्स आर द इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशी, ठीक है, तो ये बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करेंगे हैलोजन्स के साथ और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हेलाइड। डाउन द ग्रुप एज यूजुअल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। सिंपल इक्वेशन जो होगी वो होगी 2M प्लस Cl2 गोज टू 2MCl। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ M है बच्चों वहाँ मैंने फर्स्ट ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो मेटल हैं वो रिप्लेस कर दिए फ्रेंक्शन को छोड़ के, तो ये आपके पास ये मेटल हेलाइड्स फॉर्म होंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट इक्वेशन याद करेंगे तो आपको सिर्फ मेटल रिप्लेस करना पड़ेगा, सारी इक्वेशन आपको इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, जी
तो नेक्स्ट हम चलेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो नाइट्रेट्स कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स पर हम इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कार्बोनेट्स को देखते हैं। कार्बोनेट्स जो है हमारे पास M2CO3, फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट्स हैं वो होते हैं M2CO3। ठीक है, और ये किस तरह डिकम्पोज होते हैं इफेक्ट ऑफ हीट से हम देखते हैं। M2CO3 को जब हम हीट देंगे तो इट विल फॉर्म M2O। ठीक है, ये अपना रिजल्टिंग ऑक्साइड फॉर्म करेगा। M2O का मतलब क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बोनेट टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और एक ऑक्सीजन वो मेटल को दे देगा। तो इट विल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मैंने जो कार्बोनेट्स हैं उसके अंदर लिथियम मेटल को रिप्लेस किया है, एम को रिप्लेस किया है लिथियम से। लिथियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट होगा तो इट विल फॉर्म Li2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो जैसे जैसे हम अब अगर बाकी अगर आपने इक्वेशंस देखनी है तो इसी तरह से Na2CO3 हीट देंगे वो बनेगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह सो ऑन। आप एम को बस रिप्लेस करते जाएंगे और यहाँ पर भी राइट साइड पर प्रोडक्ट में जो है वो मेटल आपका रिप्लेस होता जाएगा। ठीक है, लिथियम है तो लिथियम, सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सो ऑन। तो ये आपका मेटल जो है रिप्लेस होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि डाउन द ग्रुप जो है वो इन मेटल कार्बोनेट्स की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता जाता है, तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। यानी डाउन द ग्रुप जितने मेटल कार्बोनेट्स हैं उनको तोड़ने के लिए हमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी, फिर हम चलते हैं बायकार्बोनेट्स की तरफ। जो मेटल बायकार्बोनेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिकम्पोज होते हैं कि जब आप उनको हीट देते हैं तो दे विल फॉर्म मेटल कार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर मैंने सोडियम बायकार्बोनेट की एग्जाम्पल ली है। ठीक है, आप इसको हीट देंगे इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अगर आप समझ रहे होंगे बात को पीछे से तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पर भी एम रिप्लेस हो रहा है एन के साथ। ठीक है, तो बायकार्बोनेट्स के लिए भी सेम वही बिहेवियर है जो कि मेटल कार्बोनेट्स के लिए। यहाँ पर भी आप कोई भी इक्वेशन पूरे ग्रुप में से कोई भी मेटल लगा के सेम इसी तरह से सारी इक्वेशंस को बना सकते हैं। और यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप जो है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। ठीक है जी, नाइट्रेट की तरफ चलते हैं। जो नाइट्रेट है उनका जनरल फार्मूला है MnO3। ठीक है, और वो कुछ इस तरह से डिकम्पोज होता है कि ये मेटल नाइट्राइट, NO2 क्या होता है नाइट्राइट और NO3 होता है नाइट्रेट। जब ये डिकम्पोज होगा तो ये नाइट्राइट अपना रिस्पेक्टिव नाइट्राइट और NO2 देगा। जैसे मैंने यहाँ पर M की जगह सोडियम लिया है, सोडियम नाइट्रेट, व्हेन इट विल डिकम्पोज इट विल फॉर्म सोडियम नाइट्राइट एंड NO2। ठीक है, ये सोडियम नाइट्राइट और जितने भी नाइट्राइट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे जो है वो डिकम्पोज होते हैं अपने नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा? सॉरी, यहाँ पे जो मेटल नाइट्रेट है वो जब डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज होके आपको अपना रिस्पेक्टिव मेटल नाइट्राइट देगा और साथ ऑक्सीजन गैस लिब्रेट करेगा। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट भी जब डिकम्पोज होगा इट विल फॉर्म सोडियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से आप तमाम इक्वेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिथियम नाइट्रेट का जो बिहेवियर है वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, वो जब डिकम्पोज होता है लिथियम नाइट्रेट तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, यानी उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और जब लिथियम डिकम्पोज होता है लिथियम का नाइट्रेट तो उसकी डिकम्पोजिशन थोड़ा थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है, यानी वो रिस्पेक्टेड नाइट्राइट नहीं बनाता बल्कि वहाँ पर लिथियम का ऑक्साइड और
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। जब लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो वो लिथियम का ऑक्साइड यानी नॉर्मल ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। जी तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम टेस्ट। ठीक है, पिछला टॉपिक हमारा कंक्लूड हो गया, रिएक्शंस का फ्लेम टेस्ट है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि फ्लेम टेस्ट क्या है, ठीक है, और उसका पर्पस क्या है। तो फ्लेम टेस्ट क्यों किया जाता है? फ्लेम टेस्ट इसलिए किया जाता है कि जब हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ मेटल को डिटेक्ट करना होता है तो हम फ्लेम टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ओरिजिन ऑफ फ्लेम कलर क्या है। ठीक है, यानी फ्लेम डिफरेंट जो मेटल्स हैं वो फ्लेम के अंदर कलर क्यों देते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम किसी भी सॉल्ट को हीट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो मेटल्स हैं, मेटल के बारे में हमें पता है कि मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी हमने फर्स्ट टाइम उसके बारे में पढ़ी थी कि वहाँ पर जो मेटल्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में डूबे होते हैं, यानी मेटल्स से अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले होते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम सॉल्ट को हीट करते हैं तो उसके अंदर मौजूद जो मेटल है, मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन वो हीट एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड स्टेट पर चले जाते हैं। ठीक है, और हमेशा वो एक्साइटेड स्टेट पर तो नहीं रहते, क्योंकि आपकी एक्साइटेड स्टेट क्या है? गुस्सा आना या फिर बहुत ज़्यादा खुशी होना। तो हर वक्त तो आप खुश भी नहीं रहते और ना हर वक्त आपको गुस्सा आता है, तो आप नॉर्मल स्टेट पर भी आते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी अपनी नॉर्मल स्टेट पर वापस आते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट पर वापस आते हैं, जैसे स्पेसिफिकली यहाँ पे हम ग्रुप वन की अगर बात करें तो यहाँ पे NS1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये NS1 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट पर वापस आते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ये गेन करके गए होते हैं उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये ग्राउंड स्टेट पर वापस आते हुए रिलीज करते हैं इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके गए ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्साइटेशन पर गए, यानी कितने लेवल पर गए। जितने जितनी ऊंचाई पर ये एक्साइटेशन पर जाएंगे, जितने हायर लेवल पर जाएंगे उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और उतनी ही एनर्जी रिलीज करेंगे। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि जब सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हम करते हैं सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। तो वहाँ पे जो कैटाइन है वो मेटल होता है, तो जब हम सॉल्ट एनालिसिस में सॉल्ट के अंदर मेटल डिटेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम मेटल को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं दैट इज फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट की प्रैक्टिकल डिटेल, प्रैक्टिकल डिटेल क्या है जी? कि आप लैब में गए, ठीक है, आपने प्लेटिनम या निक्रोम वायर ली। ठीक है, प्लेटिनम वायर क्या होती है कि एक ग्लास रॉड होती है और उसके आगे छोटा सा प्लेटिनम का पीस लगा होता है। ठीक है, इसे निक्रोम इसलिए कहते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ निकल एंड क्रोमियम वायर, निकल एंड क्रोमियम वायर। ठीक है, तो इस वायर को हम सबसे पहले कंसेंट्रेटर स्टील के अंदर डिप करते हैं और डिप करने के बाद हम इसको फ्लेम के करीब ले जाते हैं। ठीक है, और उस वक्त तक इसको हीट करते हैं जब तक के फ्लेम के अंदर कोई भी कलर ना आए, यानी बिल्कुल कलर कलरलेस हो जाए, जो ओरिजिनली फ्लेम का कलर होता है सिर्फ वही अपने अंदर। फिर उसके बाद हम अगेन जो है वो क्या करते हैं कि इस रॉड को दोबारा हम डिप करते हैं एसिड के अंदर। ठीक है, एसिड के अंदर डिप करते हैं और ताकि ये गीली हो जाए, क्योंकि वैसे तो सॉल्ट साथ अटैच नहीं होता। और उसके बाद एक कंसंट्रेटेड एक्सेल में डिप करने के बाद बच्चों आप इस वायर को डिप करते हैं सॉल्ट के अंदर, उस सॉल्ट के अंदर जिसका मेटल आपने डिटेक्ट करना है। ठीक है, सॉल्ट के अंदर डालते हैं और फिर आप उसको वायर के करीब ले जाते हैं। ठीक है, और सॉरी सॉल्ट जो है वो वायर के साथ अटैच हो जाता है और आप उसको फ्लेम के पास ले जाते हैं। ठीक है, और अब आप उसे हीट करते हैं और क्लीनली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बहुत ही शार्प और इंटेंस फ्लेम आता है, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और बहरहाल उस वक्त तक आता रहता है जब तक के सॉल्ट ख़त्म नहीं होता। जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट आपके पास है
कलर आता जाएगा। तो सबसे अच्छा कलर जो आता है आपके फ्लेम्स में से वो कॉपर का आता है, ठीक है। कॉपर का बहुत अच्छा ब्लूइश ग्रीन फ्लेम आता है। तो इस तरह से डिफरेंट मेटल्स जो है वो डिफरेंट फ्लेम कलर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको ग्रुप वन एलिमेंट पे पढ़ा है, ग्रुप टू एलिमेंट्स भी फ्लेम कलर देते हैं, ग्रुप वन एलिमेंट भी देते हैं, ग्रुप टू एलिमेंट भी देते हैं। उसके अलावा जिस तरह कॉपर लेड वगैरह हैं, ठीक है, तो ये तो मतलब कॉपर और लेड ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये भी कलर फ्लेम के अंदर देते हैं, ठीक है जी। आपके पास बच्चों ये कलर टेबल है, बुक में भी मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स को शो कर रहे हैं। तो आपने ये जो फ्लेम कलर्स का चार्ट है इसको भी बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है कि कौन से फ्लेम का, कौन से एलिमेंट का कौन सा कलर है, ठीक है, या किस कलर पर कौन सा मेटल एलिमेंट सॉल्ट में डिटेक्ट होता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच बच्चों, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोशिश मैंने की है कि बहुत आराम आराम से चला जाए, ठीक है, आराम आराम से मैंने समझाया है। मज़ीद अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो जूम क्लासेस में जो है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।